I love the chase when I'm running. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always need to be. वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस. टुडे इज 28th ऑफ अगस्त एंड टाइम बज रहा है समथिंग अराउंड 4 o'clock. मैं इस वक्त ज़्यादातर ब्लॉग शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन द थिंग इज दिस कि आई थॉट अबाउट टू शूट सम ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया था. एंड दैट्स वेदर रीजन आई जस्ट थॉट अबाउट टू शूट अ ब्लॉग. और आज हमारा पिज्जा पार्टी होने वाला है, और होगा तो कुछ और इंटरेस्टिंग जरूर होगा. जो भी होगा दिखाएंगे. अभी भी ज्वाइन करने वाला है. सो टिल दैट पॉइंट हैव फन एंड स्टे ट्यून. An hour later. So the thing is this, अपना बिल तो हाथ में फट के आ चुका है, लेकिन पिज्जा खाने के चक्कर में हम लोग आ गए इधर. एंड द बिल इज समथिंग अराउंड 520. और अपना पंटर लोग बैठे हुए हैं. एक है मंटू जो हमारे घर के पास ही रहता है, कभी ब्लॉग में नहीं आता है, लेकिन आज पहली बार आ रहा है. मैंने सोचा चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं और आते हैं थोड़ी सी. और एज यूजुअल यू कैन सी पबी. ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब क्या कुछ कर भी उसको ही मालूम. यहाँ पे आके भी मोबाइल में अगर घुसा रहेगा तो क्या ही एंजॉयमेंट होगा. सो कुछ ऐसा है फन. और अपना पिज्जा आउट में ऑर्डर दिया है, 15 मिनट बोला है. ये टाइम अपना हुआ है 7:59 पे मैंने ऑर्डर दिया है. 8:14 को जाएंगे, उसके बाद हमें सोम हॉस्पिटल भी जाना है, विच इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इसका भी काम है थोड़ा बहुत. तो इसका काम निपटा के हम फिर घर जाएंगे. क्या होगा क्या नहीं, जो भी होगा दिखाएंगे. टिल दैट पॉइंट हैव फन एंड स्टे ट्यून. उसको पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं. आ चुका है पिज्जा हट का पिज्जा. तो फूट पड़ो पहले, निकालो पहले. यस अच्छा पपी इधर आ जाना. नहीं 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 उधर ही. हाँ मिसिक है, सब मिसिक है भाई ना. सॉस जगह दखल भरो एंड सब बेजीस बेजीस ही. तो पहले इटालियन सीजनिंग वगैरह सब कुछ डालो, चिली फ्लेक्स वगैरह डालो, फिर मस्ती करो. डाल लो डाल लो. ले ले पपी उठा 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 उठा. ये है अपना, ये मेन चीज है. अच्छा नहीं लगता है. हाँ हमको अच्छा नहीं. टमाटर सॉस अपना अपना पकड़ लो. और एक तो देखो टमाटर सॉस इधर है. अपने को चिली फ्लेक्स चाहिए. And after this, a small bite of cheers, cheers, good, cheers, good. Damn. You can make video of this. Yay. वैसे बता जाए तो स्मॉल पार्टी काइंड ऑफ थिंग था, लेकिन कोई प्लान नहीं था. इसकी वजह से एक छोटा सा ही पिज्जा विज्जा खा के नॉर्मल कर दिया. वैसे बताऊं तो आशु का बर्थडे आने वाला है, मस्त वाला ब्लॉग आने वाला है काफ़ी देर जल्दी. एंड सच बताऊं तो वो काफ़ी धासु होने वाला है, लेकिन उसका कोई एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा लेट में उसका बर्थडे पालेंगे. लेकिन वो भी मस्त होगा ना, वो जो प्लान बताया था. Till that point, have fun. अब के लिए तो बस इतना ही है. पहले यहाँ से निकलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो ही दिखाऊंगा, वरना दिस ब्लॉग विल बी कंटिन्यूड. बट जैसे आप लोग देख सकते हो, पिज्जा खाने के चक्कर में हम लोग आके बस में बैठ गए हैं. मंटू पूरा खड़ा है,
को सोच रहा होगा क्या करे वो, लेकिन जगह है नहीं तो मंटू खड़ा हो गया, वो भी आगे है। एंड आफ्टर रीचिंग द पॉइंट आई विल लेट यू नो क्या होगा क्या नहीं। टिल देन हैव फन। 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रात के बज रहे हैं 10 और ऑब्वियसली मैं गैस बुक नहीं किया हूँ तो थोड़ा दिन लगेगा, लाइक 2 दिन तो लगेंगे। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि तो खाना कैसे भी करके बनना चाहिए, नहीं तो मेरे डॉगीज भूखे रह जाएंगे। सो इसके चक्कर में मुझे अभी खाना बनाना पड़ रहा है और आप लोग देख ही सकते हो मैं पूरा नेचुरल हैबिटेट में खाना बना रहा हूँ। काफ़ी धुआं हुआ हुआ उसके बाद जाके आगे इतना लगा है, बहुत मेहनत लगा है इसके पीछे। मैं कहाँ कहाँ से जाके वो लाइक ऐसे सूखे वुड्स लेके आए, फिर उसके बाद ये हालत है अपना। आई गेस जल्दी खाना बन जाएगा क्योंकि ये तो गैस है नहीं जो कोई लिमिट का चलता है, ये तो भाई अपने आप जलता है, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक जलता ही रहता है। तो राइस हो जाए उसके बाद दिखाते हैं। सच कहूँ तो लाइक नॉर्मल गैस में होता तो 15-20 मिनट लग जाता, यानी टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन चावल इसमें जल्दी बनता है मुझे जितना मालूम हुआ। एंड द रीज़न इज दिस की द फायर लिमिटेशन, इसमें कुछ लिमिटेशन है नहीं। अगर तुम गैस में लगाओगे तो फिर लिमिटेशन है, लेकिन नॉर्मल चूल्हा हो जैसे आप देसी स्टाइल पे करते हो तो ऐसे वैसे में कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड सच बताऊँ तो मुझे आग लगाने में टाइम लग गया ज़्यादा, लेकिन चावल तो जल्दी बन रहा है। और हाँ, एक डिसएडवांटेज ये है कि पूरा चारों तरफ अगर देखो तो आपका जो भी लाइक बर्तन होता है वो पूरा काला हो जाता है फ्रॉम नोवेयर। और मुझे लाइक ऐसे एक ब्लॉगर को कंटेंट ही चाहिए होता है और मेरे को एक अच्छा खासा कंटेंट मिल गया। एंड सो डू आई जस्ट थॉट अबाउट की शेयर इट, तो आप लोग देख ही सकते हो। और मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक थोड़ा बहुत ठंड का मौसम शुरू होने को आया है, रात में ठंड पड़ता है और ये जब हो रहा है और मज़ा आ रहा है। 2 hours later. So the birthday boy is here. मरो मरो, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। वासु कितने साल का हो गया तू? 22 कंप्लीट। तो कब कितने कल कितने खाओगे? नहीं खाऊंगा। तो 22 साल का हो चुका है अपना आंसू। तो मैं स्पेशल एफर्ट लगा के इधर आया हूँ, भाई बोल रहा था कि सोने के लिए बहाना लगा के तुम स्टोरी डाल दो 2 मिनट पहले। हाँ देख लो। ओह माय गॉड, गजब बेइज्जती है। तो एक हो गया है, बाकी 21 हम कल देंगे। ऊपर इनको कुछ ऊपर, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं भाई। चलो अब मैं घर चलता हूँ। सिर्फ विश करने आया था क्योंकि आज उसका बर्थडे है, यानी अभी से शुरू हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको एक सरप्राइज देते हैं। वैसे दोस्त लोग हम प्लान कर रहे थे, लेकिन पबी ने बोला कि नहीं कल करते हैं, क्योंकि वो शौक हो जाएगा, ज़्यादा शौक हो जाएगा। और दूसरा बात ये है कि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना, सपोर्टिव नहीं है, हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए तो नहीं है मुझे लगता है। तो उसके बदौलत मैंने कुछ किया, लेते हैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। वैसे मैं बाल वाल बांधा भी नहीं हूँ, वैसे ही आ गया, आप लोग देख सकते हो। मैं सोया था, यानी जस्ट सोने ही वाला था, वो आंसू बोला कि अच्छा तुम पहले स्टोरी डाल दिए, यानी 10 मिनट पहले स्टोरी डाल दिए, इसका मतलब तुम सोने वाले थे और ऐसे ही याद आया तो यानी स्टोरी डाल दिया और इस करके सो जाओगे। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, मैं 12 बजे तुम्हारे घर के सामने आ रहा हूँ। उसको भरोसा नहीं था मेरे बात पर, तो मैं निकल गया। जस्ट 10-12 स्टेप्स के बाद में रहता है वो, यानी मेरे घर के पास ही रहता है आंसू। तो मैं चला गया और आप लोग को वो सब चीज़ें दिखाया। टिल दैट पॉइंट हैव फन। अब कुछ है नहीं दिखाने को, जो भी होगा कल दिखाता हूँ। टिल दैट पॉइंट आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द कंटेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तभी जाके मेरा वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचेगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई जस्ट नीड टू टेल यू दिस कि
कि अभी मेरा वीडियो एडिट खत्म हुआ और 3 बज रहा है रात के, आपको इससे पता चल सकता है कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज यार, दिल से अगर कोई अप्रिसिएशन आपको मिलता है ना, अच्छा लगता है, तो इसीलिए प्लीज आपका जो भी थॉट्स है कमेंट में बताना। टिल दैट पॉइंट हैव फन, आई विल सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।